मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, आपके वोट की जरूरत है, क्योंकि अपना वार्ड अगर आप मुझे मजबूती से जिता के भेजेंगे तो जैसा अभी प्रदीप शर्मा जी ने कहा, कहीं कमजोर पड़ेंगे तो वो लीड यहां से कवर हो जाएगी। और आप अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, इस वार्ड का विधायक चुनने जा रहे हैं, और जो प्रत्याशी आपको पता है वो बाहर से आए हैं, पहले उन्नाव में रहे, सांसद रहे, वहां से छोड़ा, मध्य में आ गए, मध्य में अगर काम किया होता तो कैंट में आने की आवश्यकता नहीं होती, वो वहीं से चुनाव लड़ सकते थे, मगर उन्होंने वो भी छोड़ के अब कैंट में आ गए। तो इसलिए अगर विकास आपको चाहिए, आप चाहते हैं आपके क्षेत्र का चौमुखी विकास हो, तो आप अपने बेटे को बेटा चुनिए, नेता मत चुनिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और हमेशा आपके बीच में रहा हूं। आपने मुझे 15 सालों से देखा है, मैं 15 सालों से आपके बीच में हूं, और मैं सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप 23 तारीख को होने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना अमूल्य वोट एक तरफा साइकिल वाले खाने पे लगाइएगा और मुझे भारी मतों से विजयी बनाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मैं आप 15 साल में आपके बीच में रहा हूं, उसी तरह मैं सर के बल आपके लिए खड़ा रहूंगा। आपको कहीं कहने की जरूरत नहीं, चाहे मैं विधायक ही बन जाऊं तो मगर एक्टिवा लेकर ही आपके क्षेत्र में घूमूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दूंगा। और मुझे कोई लाल लश्कर की जरूरत नहीं है, मैं लाल लश्कर से नहीं चलता हूं, इसलिए मैंने पूरा जीवन एक्टिवा से ही घूमा आपके बीच में। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप लोग वोट देंगे और सबको कहेंगे भी, सबको मोटिवेट करेंगे कि भाई अपना विधायक, अपने घर का प्रत्याशी आप जब चाहे सुबह शाम दिन रात आप घंटी बजा सकते हैं और मुझे बुला सकते हैं। कोई विधायक आपको मिलेगा नहीं, ये सुनहरा मौका है कि अपना बेटा चुनिए, अपना भाई चुनिए। मैं यही आपसे कहने आया हूँ, हाथ जोड़ के बार बार आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग 23 तारीख को जरूर घर से निकले और सबको लेके निकले और साइकिल वाला बटन दबाए मेरे लिए। मैं समझूंगा जो मैंने सेवा की है वो मुझे उसका फल आप लोगों ने 23 तारीख के रूप में मुझे दे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया का भी, बहुत बहुत दीपू भैया सभी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ।